हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चले बढ़ते आगे। यमुना में अचानक आए पानी से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ। हर बार जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। यमुनानगर के दर्जन भर गांव इसके चपेट में आ गए हैं। जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नुकसान हुआ है, बाढ़ के आने की वजह से हमारा सारा नुकसान हो गया है। हम ऊपर छत पे रह रहे हैं, ना खाने का इंतजाम है ना पीने का है। हमने पोलोथीन डाल के यहाँ पे बच्चों को बिठा रखा है, ना हमारी मैसों पे घास है ना मैस से भी बर्बाद है। सारा नुकसान हो गया, कम से कम भी 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। कोई भी पहले भी नहीं ऐसी सुविधा मिली, अब भी नहीं ऐसी सुविधा है। क्या हर साल फ्लड से पानी आता है और जो गरीब लोग हैं उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है, जैसे खाने पीने का, डंगरों का, अपना बाल बच्चों का जी, जो राशन होता है जी वो हर साल ख़राब हो जाता है, और जो उनके संद है जी सभी गल के ख़राब होता है। हर साल यही प्रॉब्लम है, दिक्कत आती है जी। हम प्रशासन से ये कहते हैं जी भी आके इनके गरीब आदमी हो कुछ ना कुछ मसला हल करो, कि इनके सरकारी कोई भी स्कीम हो इनको दुआओ, लेकिन प्रशासन का, अधिकारियों का यहाँ आना कोई वो नहीं होता जी। अब की बार जी 77 से भी ज़्यादा यहाँ पर पानी आया है, और इतना पानी तेज था जी जिससे जो बिल्डिंग हैं, सरकारी स्कूल हैं, और जो जिनमें पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा नुकसान है। जहाँ पर हम खड़े रविदास मंदिर अम्बेडकर भवन है जी, यहाँ पर भी पूरे ही पानी से दीवार गिर गई। इस दीवार को दोबारा मजबूती से हम सरकार से अपील करते हैं कि प्रशासन से, जिला यमुनानगर के प्रशासन से मौके पे आकर के देखे जाए कि क्या यह दीवार सही बनी थी या नहीं बनी थी।